नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि नालंदा में जिस तरीके से 13 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आरजेडी की बात करें तो वो भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड के साथ जो गठबंधन में एनडीए है उन्होंने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच यह खबर निकलकर सामने आई कि बिहार में अब जो पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे उनसे जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी के कानून में संशोधन की बात हो रही है और इस संशोधन को लेकर अब आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। आपको सुनवाते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का बयान। अब संशोधन करेंगे, क्या करेंगे, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उन दिनों भी कहा था जब महागठबंधन में वो थे और मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया था, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने बनाया था उनको मुख्यमंत्री, उस समय ही कहा था कि नीतीश कुमार जी कोई ऐसा कानून नहीं बनाओ जिससे जनता को तकलीफ और बिहार को बर्बाद करने वाला कानून हो। यह साबित हो गया कि बिहार को बर्बाद करने वाला कानून और गरीब पर ज़्यादा वो हावी है और आज के डेट में 1,40,000 लोग जेलों में बंद हैं, सलाखों में बंद हैं। वो कौन है? वो गरीब है, झोपड़ी में रहने वाला लोग है जिस पर शराब के नाम पर कार्रवाई हो रही है, और वैसे लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो शराब माफिया हैं और हमारे ये एनडीए के रसूखदार जो नेता हैं जिनके देख रेख में और मुख्यमंत्री के आजू बाजू बैठने वाले जो शराब माफिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जीतन राम मांझी की पार्टी ने कहा है कि संशोधन से पहले उनको बिहार की जनता के बीच जाना चाहिए, अगर जनता मांग करती है तो इस कानून को शीघ्र वापस ले लेना चाहिए। देखिए, कानून पर क्या वापस लेना चाहिए पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन उस पर निश्चित रूप से संशोधन होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। और सरकार अगर चाहती है कि पूरी तौर पे हम लागू करें तो ये सरकार को सख्त होना पड़ेगा, लेकिन सख्त सरकार नहीं है। सरकार के जो रसूखदार नेता है वही शराब का खेप पर खेप, और जो वही पदाधिकारी को पोस्टिंग हो रही है जो आरसीपी टैक्स दे रहे हैं, जो आरसीपी टैक्स नहीं देते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो आरसीपी टैक्स देते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो नहीं देते उन पर कार्रवाई ही और गाजी गिरने का काम। आने वाले सत्र में अब इस बात प्रस्ताव लाने, देखिए जब सर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम संशोधन देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि संशोधन क्या है, बिहार की जनता के हक में वो संशोधन है या फिर हमारे दल के हक में है कि नहीं है। अगर हक में नहीं होगा बिहार की जनता के हक में तो निश्चित रूप से उसका खिलाफत करेंगे और मुख्यमंत्री के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में आप लोग लाते हैं तो समर्थन मिलेगा, क्योंकि आपके नंबर? देखिए, हम अंतरात्मा की आवाज पर करेंगे। बिहार में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शराब के नाम पर फोकस डाले हुए हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अंतरात्मा के आवाज पर हम सदन में करेंगे और सदन के लोगों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की बात, सरकार गिराने की मांग करेंगे।